नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दो दिवसीय बैठक आज से शुरू हुई। इसमें समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल हुए, जहां बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर के निर्माण कार्यों से मिश्रा को अवगत कराना है। ऐसा माना जा रहा है कि मंदिर का उद्घाटन अगले साल जनवरी में मकर संक्रांति के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने फसलों के लिए कर्नाटक द्वारा प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक कावेरी नदी से पानी छोड़ने की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद धर्मपुरी ने बीआरएस एमएलसी के कविता पर तेलंगाना में मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में दलितों को दी जाने वाली राशि की तुलना में मुसलमानों को बहुत कम वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि के कविता को इन तथ्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। मणिपुर में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है, जहां सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान के दौरान इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिले से 4 अग्नियोस्त्र, 38 गोला बारूद और 8 बम मिले हैं। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दें और इसे शेयर जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के ग्रीस दौरे पर हैं। यहां दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट में पीएम मोदी ने कहा कि हम पुराने दोस्त की तरह एक दूसरे को समझते हैं, हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करेंगे। पीएम ने ग्रीस के जंगलों में लगी आग में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आजकल लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान आज कारगिल में राहुल गांधी ने एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर सरकार पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने सभा में कहा कि देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल ने आगे कहा कि मैं लद्दाख के कोने कोने में गया, गरीबों, माताओं, बहनों और युवाओं से बातचीत की, आपके दिल की बात समझने की कोशिश की। दूसरे नेता अपने मन की बात करते हैं, मैंने सोचा मैं आपके मन की बात सुनूं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया के उन टॉप 10 4 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। अमेरिका, रूस और चीन, जो अब तक मून मिशन पर इतरा रहे थे, चंद्रयान 3 के सफल होते ही उन्हें अपनी सफलता कम लगने लगी है। भले ही भारत अपने मून मिशन में इन देशों से कुछ साल पीछे रह गया, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर उसने साबित कर दिया कि सफलता के रास्ते भले ही कठिन हो, लेकिन अगर ईमानदारी से कोशिशें की जाए तो असंभव नहीं है। वही इसरो के इस मिशन ने अब तक कई जानकारी जुटाई है जिसे जल्द ही इसरो द्वारा साझा किया जाएगा। पाक द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, कहा राजनीतिक तरीके से सुलझाए ये मामले। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई, जहां उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य शासन की नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां सस्ती दर पर धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना से उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को कई झटके लगे हैं, जहां असंतुष्ट नेताओं को मनाने में विफल रही भाजपा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के बेटे देवराज और बहु वंदना बागरी समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कहर से निपटने के लिए सीएम द्वारा किए गए प्रबंध की नीति आयोग ने भी तारीफ की, जहां आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बैरी ने मुख्यमंत्री को प्रशंसा पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश को चुनौतीपूर्ण समय में नीति आयोग हर संभव मदद देगा। संसद के मानसून सत्र के बाद लद्दाख दौरे पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूरे चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। जहां राहुल अपने दौरे में लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, वहीं कारगिल में उन्होंने भगवा पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि भारत में हमले के शिकार मुसलमान और मणिपुर के लोग होते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के महिषादल में भाजपा नेता पर एक विकलांग महिला के साथ गलत काम करने का आरोप लगा है, जहां महिला ने थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया है कि एनसीपी में कोई फूट नहीं है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं और रहेंगे। पवार ने इसी के साथ कहा कि उनके कुछ नेताओं के मतभेद हुए हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 29 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख तय है, उम्मीद है उस दिन हाईकोर्ट सुनवाई कर लेगा। राजस्थान में पानी की कमी के कारण किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां किसानों ने महाराजा गंगा सिंह चौक पर प्रदर्शन किया और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। किसानों ने गुस्से में राजस्थान पंजाब बॉर्डर हाईवे को जाम कर दिया। वहीं किसान नेता सतवीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार हमारे साथ मनमानी कर रही है और राजस्थान सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पनीर के फूल, जिसे डोडा भी कहा जाता है, अपने औषधीय गुणों की वजह से कई समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह फूल डायबिटीज के मरीज के लिए काफी फायदेमंद है, साथ ही यह त्वचा के लिए भी बेहद गुणकारी है। शरीर में इंसुलिन को संतुलित रखने में यह काफी मदद करता है। भारत सरकार के मिनी रत्न कंपनियों में से केंद्रीय भंडारण निगम यानी CWC ने 153 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट CWACOR.NIC.IN पर 26 अगस्त से 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 378 गांव में AI टेक्नोलॉजी के जरिए रोबर्स और ड्रोन की मदद से चकबंदी की जाएगी। इसका प्रस्ताव यूपी सरकार ने पास कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इससे पहले 137 गांव में चकबंदी की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद किसानों के हित में कार्यों को प्रगति देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेक ड्रोन व रोबर सर्वे आधारित चकबंदी कराया जाना प्रस्तावित हुआ है। राजद सुप्रीमो लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल के लिए बड़ी राहत मिली है, जहां लालू की जमानत रद्द करने की CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में फैसला सुनाएगा। बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है। केंद्र सरकार के दिल्ली सेवा कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जहां दिल्ली सरकार की याचिका पर कोर्ट ने उस याचिका को संशोधित करने की अनुमति दे दी है, जिसमें उसने 19 मई के सेवा अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच चल रहा विवाद एक बार और आगे बढ़ गया है, जहां राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते हुए धमकी दी है कि वो उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए वह राष्ट्रपति को उनके असंवैधानिक कामों के लिए पत्र लिखने के लिए मजबूर होंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आज चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर BJP और कांग्रेस में नोकझोंक हुई। वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब विधानसभा में बैठे विधायक मंत्री ठहाका लगाने को मजबूर हो गए। दरअसल बाड्डा विधानसभा से विधायक नैना चौटाला ने सोलर के ट्यूबवेल कनेक्शन देने की मांग के लिए बिजली मंत्री रंजीत चौटाला से कहा कि मैं तो आपकी बहू हूँ, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम के तीखे रुख को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं टिहरी के बगड़धार में भारी मलबा आने से गंगोत्री राजमार्ग 3 दिन से अवरुद्ध है। वर्षा के कारण राजमार्ग को खोलने में भी मुश्किलें आ रही है। जमीन घोटाला मामले में ED की ओर से दोबारा समन भेजे जाने के खिलाफ झारखंड के CM हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने ED के समन को चुनौती देते हुए रिट पिटीशन दायर की है। CM के कोर्ट पहुंचते ही BJP ने तंज कसते हुए कहा कि विरोधी दल के नेताओं को गिरफ्तार कराने वाले आज खुद जेल जाने से डर रहे हैं और दया की भीख मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।